हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइब्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक नई जर्नी के लिए, नए पैलेस के लिए। वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाय ट्रेन नासिक। तो गाइस, हम पहुँच गए नासिक रोड। आप देख सकते हैं भीड़। ये कौन सी गाड़ी है? मन्ना इंटर सिटी है। तो अभी हम फाइनली निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। हमको जाना है बस स्टॉप। तो अभी हम जाके बाहर जाके पता करेंगे यहाँ बस स्टॉप कहाँ है। तो आप बाहर निकलोगे तो अब सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। आगे आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि आपको कैसे क्या करना है सब कुछ। नासिक रोल सेंटर रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो यह है नासिक रोड बस स्टेशन। आपको थोड़ा ही बाहर चलना पड़ेगा, यानी कि स्टेशन से आप थोड़ा जैसे बाहर आएंगे तो आपको बस स्टॉप मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको सारी बसेस मिल जाएगी, लोकल प्राइवेट जो भी सारी बसें चलती हैं। तो अभी हमको जाना है स्टेशन पे। तो स्टेशन मतलब CBS करके कोई स्टेशन है, वहाँ जाना है। वहाँ से हमको हमारी त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिलेगी। तो अभी हम बैठ गए हैं लो फ्लोर में। जैसे जयपुर में बसेज चलती हैं लो फ्लोर वगैरह, सिटी बसेज वगैरह, तो वो आपको बसेज यहाँ मिल जाएगी। बस आपको पता करना पड़ेगा। बाकी आप सब लोग वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी पता कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से बता भी देंगे। अभी हम पहुंच गए हैं CBS बस स्टैंड, लेकिन हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे बसेस तो बहुत सारी दिखाई दे रही, लेकिन कहीं बस स्टैंड नहीं। ये अच्छा सा गार्डन बनाया हुआ है इधर। चलते हैं, ढूंढते हैं मंजिल कहाँ जाके मिलती है। तो हमने लो फ्लोर बस पकड़ के यहाँ का जो मेन बस स्टैंड था जहाँ के लिए बसेस लगती है, जैसे कि आपको यहाँ की हर जगह की बस मिल जाएगी, मुंबई के लिए, पुणे के लिए और अहमदाबाद के लिए और त्र्यंबकेश्वर के लिए, यानी कि बहुत बड़ा बस स्टैंड था, बहुत बड़ा। हम इस बस स्टैंड के चक्कर में बहुत घूमे हैं, इतना घूमे कि हम जितने भी लोगों से पूछ रहे थे, वो कोई अलग डायरेक्शन बता रहा था, कोई अलग डायरेक्शन बता रहा था। उन लोगों की भी गलती नहीं थी, क्योंकि स्टेशन सच में ही बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से पता करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत पूछा, फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो अभी हम यहाँ से बस लेंगे हमारी। तो बस लेने के लिए आपको यहाँ सारी जगह लिखा होता है कि ये वाला बस स्टैंड, ये वाला जो स्टॉप है यहाँ, यही बस आके रुकेगी। यानी कि हर बसेस के लिए एक कंपार्टमेंट बना रखा था, वहीं आगे वो बस रुकती थी। और वहाँ से आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी बस कहाँ जाएगी। तो हमको तो गाइस, इतना बड़ा बस स्टैंड है ना कि हम बस स्टैंड पे चक्कर मार गुलेट खा के इधर के इधर यहीं पहुँच रहे हैं बार बार। बहुत बड़ा बस स्टैंड है। आप पहले से पूछ लेना, हम भी पूछते पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत घूमे और हर जगह आपको बस स्टैंड मिलेंगे। ये देखिए, ये है महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल नासिक विभाग नवीन मध्यवर्ती बस स्थानक नासिक। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा कहाँ आएगा। ये रहा बाबू सामने, त्र्यंबकेश्वर मूल्य गाँव, शिवगाणा राजेवाड़ी गणी। तो यहाँ हमारी बस आएगी और आप पब्लिक देख सकते हैं, इतना रश है, इतना रश है, बहुत ज़्यादा। और बारिश भी हुई थी, अभी नहीं हो रही बट हुई थी। तो यहाँ आएगी हमारी बस 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। त्र्यंबकेश्वर नगरी मध्य आल्या भाविक का चार स्वागत।
पहुंच गए हैं गाइस फाइनली त्रिमकेश्वर। तो अभी हम लेंगे होटल, फिर हम अभी थोड़ा हम पीएंगे चाय वाय, क्योंकि हम जब से चले हैं घर से तब से हम चले जा रहे हैं बस से और ट्रेन से। तो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था सब कुछ, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। और यहाँ का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, यहाँ की जो आप देख रहे हैं माउंटेन्स इस तरह से कटे हुए हैं, मतलब सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, और सारी जगह इतने वाटरफॉल्स थे बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये अभी बात कर रहे हैं मैडम से। तो अभी हम पियेंगे चाय सबसे पहले, फिर हम करते हैं कुछ रहने के लिए, यानी कि हम होटल वगैरह देखेंगे। दोस्तों ये है यहाँ का बस स्टैंड, यहाँ से बस स्टैंड से 500 मीटर दूर पे ही मंदिर का रास्ता है। यहाँ पे बहुत सारे काफ़ी होटल है, शाम को ही आओ और जल्दी यहाँ स्टे करो, और सुबह ही 3-4 बजे ही लाइन पे लग सकते हैं। अभी हम पियेंगे चाय, बस स्टैंड के जस्ट सामने चाय है, तो उसके बाद हम होटल वोटल लेंगे, रुकने की व्यवस्था होगी। ढूंढ रहे हैं रूम, और अभी हो रही है बारिश, हम लोगों ने ले रखे हैं छाते, हम छाते लेके आए थे साथ में। तो आप लोग भी जब भी ऐसे मौसम में आओ तो प्लीज़ छाता ज़रूर लेके आना, या अपना रेनकोट ज़रूर लेके आना, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये देखिए आप, ये जा रहे हैं आगे आगे, अभी हम यहाँ आए हैं। गर्मी सर्दी लग रही है मुझे तो, देखो रूम इंक्वायरी ये रखा है इधर बोर्ड लग रहा है। ये मंदिर है क्या यार, भक्त निवास, ये तो साईं बाबा के वहाँ जाते जब आते हैं भक्त निवास। तो ये जा रहे हैं देव पता करने रूम, ये हमारा रूम, बहुत शानदार रूम है, बहुत अल्टीमेट रूम बना रखा है इन्होंने। ये आप देखिए इसमें फैन है, और ये नॉन एसी है जबकि, तो ये देखिए इधर से, मतलब ये पूरा 3-बेडेड है, पूरा फैमिली के हिसाब से है, और प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, यहाँ एसी की भी ज़रूरत नहीं है। महाराज शेगावट ट्रस्ट है, डायरेक्ट बस स्टैंड पे उतरते हैं त्रिम्बक में, तो सामने इसका ट्रस्ट है, वहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल रूप से भी जाके आप बुकिंग करवा सकते हैं। अभी शायद ये नया नया लोकेट हुआ है, और कवर्ड ये नया ही बना है अभी लेटेस्ट। 3-बेडेड है ये ऐसे तो, मतलब 3 लोगों के लिए है, फिर भी 2 लोगों के सोफा ठीक है, बढ़िया दिया हुआ है। डायरेक्ट चेक इन कर सकते हैं आप, 900 का है, 2 रूम रहते हैं, नॉन एसी 500 और 900 डिलक्स नॉन एसी। तो ये बहुत अच्छा लगा, डायरेक्ट बुकिंग नहीं करके यहाँ से फिजिकल, लेकिन ये सुविधा सिर्फ वीकडेज में है, वीकेंड पे तो बहुत ही हालत ख़राब रहती है, शायद बुकिंग भी नहीं मिल पाएगा इधर। तो हम आए हैं आज है 20 अगस्त 2024 मंगलवार को, तो मंगलवार को आए तो खाली है, भीड़ भी कम लग रही है, ठीक ठाक है, बाकी की जानकारी आगे देते रहेंगे। तो ये अभी हम प्रसादालय आ गए हैं, यहाँ प्रसादालय का मतलब होता है कि यहाँ आपको खाना मिलेगा, खाने का प्लेट का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 60 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से रहता है, आपकी चॉइस है कि आप क्या खाना चाहते हैं। यहाँ पे एक साबूदाना वड़ा बहुत फेमस था, वो हमने लिया, लेकिन मुझे खाना यहाँ का कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, पर ठीक था, आपका काम चल जाएगा, ऐसा ही था। तो ये साबूदाना खिचड़ी, और ये आपको खाना मिलेगा इस तरह से। गुड मॉर्निंग गाइस, तो बज गई सुबह की 4 और हम दोनों रेडी हो गए हैं, मतलब मैंने पहनी है साड़ी, आज हम मंदिर जा रहे हैं तो मेरा मन था कि आज हम साड़ी पहने, तो मैं साड़ी पहन के रेडी हुई हूँ, और देव ने पहने पैंट और शर्ट। तो अभी हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए, क्योंकि अभी तक तो कोई भी नहीं उठा है, हम दोनों जल्दी रेडी हो गए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी भीड़ लगती है,
इसलिए हमने सोचा कि हम जल्दी चले जाते हैं ताकि हम जल्दी दर्शन करके फ्री हो जाएं भोलेनाथ के। तो चलिए चलते हैं, ये आ रहे हैं आपके सामने, देखिए। तो अभी कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान एरिया हो रखा है, तो चलते हैं फटाफट। 15-20 मिनट लगेगी। ये देखिए पूरा खाली, सिर्फ हम दोनों ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी 5:30 बजे गेट के द्वार खुलते हैं, इससे पहले अभी निकल चुके, देखते हैं अभी तो भीड़ तो लग नहीं रहा है। तो यहाँ सभी लोग जा रहे हैं पैदल पैदल, हम लोग भी पैदल चले थे क्योंकि थोड़ा सा आपको पैदल चलना ही पड़ेगा और ये अच्छा भी है, आप थोड़ा मंदिर पैदल जाओ तो ये बहुत अच्छा लगता है। सुबह सब लोग नंगे पैर जा रहे थे, कुछ लोग तो चप्पल पहन के जा रहे थे, कुछ बहुत ज़्यादा लोग तो नंगे पैर ही जा रहे थे शिव जी के वहाँ। तो अभी बज रही सुबह के 5:30, हम दर्शन कर चुके हैं और ये देखिए ये है मंदिर, मंदिर बहुत खूबसूरत है। अंदर आपको ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं, आपको फटाफट दर्शन करके निकलना होता है। हम 4 बजे से ही लाइन में लग गए थे, ये देखिए इतनी पब्लिक आ गई इतनी जल्दी। तो बहुत भीड़ है, बहुत रश है, पर आज इतना फिर भी नहीं है। लोग कहते हैं कि मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और मंडे को यहाँ पूरा जुलूस भी निकलता है, यानी कि झांकी निकलती है यहाँ से शिव जी की। तो यहाँ 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए इसका नाम त्रिम्बकेश्वर भी है। तो ये मंदिर बहुत खूबसूरत है, मैं आपकी इसकी स्टोरी बता देती हूँ छोटी सी जो मुझे पता है जितनी मैंने पढ़ी है। तो भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा, तब महर्षि जी ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा था, लेकिन इस पर गंगा ने यह शर्त रखी थी कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे, यानी कि यहाँ रहेंगे इस जगह, तो ही वही शर्त को मानेंगे। तो भगवान शिव ने उनकी शर्त मानते हुए त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया था और वह यहीं बस गए थे। और ये एक अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो केवल शिव भगवान का ही नहीं बल्कि यहाँ 3 शिवलिंग हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी कि इसे त्रिदेव भी कहा जाता है। ये मंदिर बहुत खास है, बहुत खास, और ये 268 साल पुराना मंदिर है जो कि 3 पहाड़ियों से बना। वो पहाड़ियाँ हैं ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी, ये इन्हीं के आधार पर बना है, हरी हरी हरियालियों के बीच में बसा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ज्योतिर्लिंग है जो कि त्रिम्बकेश्वर के नाम से जाना जाता है और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और ये बहुत ही बड़ा मंदिर और ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये आप देखिए बाहर से ऐसा नज़ारा है, ये श्री त्रिम्बकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो 3 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक हम आ गए हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सारी जगह आपको प्रसाद की शॉप मिलेगी, आपसे आप प्रसाद ले सकते हैं। और हम ढूंढ रहे हैं कि हमने हमारी चप्पल कहाँ खोली है, एक्चुअली हमको पता ही नहीं है कि हमने हमारी चप्पल कहाँ खोली है क्योंकि हम बहुत अंधेरे में आ गए थे। ये ऐसी शॉप्स लगी इधर, दोबारा आएंगे इसके लिए, पहले कर जाते जूते ले जाते, वो उधर से यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है जो हमने दर्शन करने के बाद बाहर निकलते। काफ़ी सारे होटल वगैरह है जहाँ पे आप शाम को आकर स्टे करके और सुबह जल्दी दर्शन, वो सबसे बेस्ट रहता है अगर भीड़ से बनना चाहते हैं।
काफ़ी सारा है, राजस्थानी भोजनालय भी है इधर और लंबा चौड़ा, मतलब खाने पीने का रुकने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शाम को आके भी रुक सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर अच्छा खासा मार्केट ठीक ठाक लग रहा है। ये त्र्यंबक की पहाड़ी पर ये गोद में बसा हुआ है त्र्यंबकेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग, जो बेसिकली भी नासिक से 30 किलोमीटर और नासिक रोड रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। नासिक रोड तक काफ़ी ट्रेनें आती है, देश के कोने कोने से नासिक रोड रेलवे स्टेशन, हवाई यात्रा, बस स्टैंड सबसे जुड़ा हुआ है। बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा हर जगह ही वैसे ही हालात रहते हैं बारिश के टाइम में, और कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन कर काफ़ी खुश। तो ये ज़्यादा इतरा के आ रहे हैं अभी कि इनको व्लॉग में लिया जा रहा है इसलिए। तो आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल एकदम नेचुरल माहौल, अगर जो भी वहाँ पहाड़ों पे कैंपिंग भी है, पहाड़ों पे होटल भी है, जिनको भी प्राकृतिक चीजें अच्छी लगती है वो जरूर घूम सकते हैं ऐसी जगहों पर, बहुत अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं जहाँ रुके हैं उसका, त्र्यंबक की पहाड़ियों के बीच के गोद में बसा हुआ है वो ज्योतिर्लिंग, ये देखिए आपको बता रहे हैं। तो अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी अच्छी जगह भी है। अभी हम बस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आए हैं, तो मंदिर में इतनी भीड़ नहीं थी जितना हमने सोचा था, कम ही थी, तो फिर भी हम जल्दी चले गए तो हम जल्दी फ्री हो गए, फिर भी हमने कोई रिस्क नहीं लिया। हाँ बिल्कुल, और आप लोग भी बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि जब होनी होती है वो आपको कह के नहीं होगी भीड़, और अभी तो वैसे भी शाम में चल रहा है कि जल्दी जाओ जल्दी फ्री हो जाओ, और क्या। तो यही हमारा हमेशा से यही टारगेट रहता है कि हम दर्शन करके जितना जल्दी फ्री हो सके उतना अच्छा है, चाहे हम शिरडी जाए चाहे आपको घूमने का टाइम मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप बाकी जगह देख सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब कुछ। ये है बख्त निवास, ये रिसेप्शन है यहाँ से, ये आपको रूम के लिए इंक्वायरी करनी पड़ेगी, आप अपने हिसाब से रूम ले सकते हैं, हर चीज़ का अलग प्राइस है। तो अच्छा है काफ़ी ये मंदिर है, हम भी जाते हैं मंदिर में, क्योंकि नाइट को तो हम आए थे तो हम नहीं गए थे, अभी जाते हैं, ये आगे आगे चल रहे हैं। एक दो घंटे की नींद ख़राब करनी पड़ेगी, लेकिन आपके 5 घंटे कम से कम बचेंगे मैं दावे के साथ। इस मामले में ये बहुत आगे हैं नींद के मामले में, तो हम 2 बजे, मैं तो 2 बजे जग गई थी, मैं 2 बजे जगी थी, देव 3 बजे जगे थे, क्योंकि मैं 2 बजे इसलिए जगी थी क्योंकि मैंने साड़ी पहनने का डिसीजन लिया था, और इसके लिए मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए था, क्योंकि मुझे आती नहीं है और मैं कभी पहनती नहीं हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस में नहीं है वो चीज़, बट मेरा मन था कि अपन मंदिर जा रहे तो साड़ी पहने, इसलिए मैंने साड़ी पहनी, और सावन का महीना है इसलिए मैंने एक लहरिया साड़ी पहनी, क्योंकि आपको सावन में एक बार लहरी की साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए, जो भी लेडीज़ हैं या जिन जो भी मैरिड हैं, अच्छा रहता है, अच्छा माना जाता है। तो अभी हम जाते हैं रूम में, थोड़ा फ्रेशअप होते हैं और हम थोड़ा कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि अभी हम मैं साड़ी में हो गई हूँ बहुत ज़्यादा परेशान, तो अभी हम फिर बाद में इस मंदिर के दर्शन करेंगे। ये है हमारी विंडो जो आप देख रहे हैं, यही है हमारी स्कूटर के जस्ट ऊपर, यही हमारा रूम है, तो बस चलते हैं फटाफट रूम में। ये हम आ गए हमारे रूम में, और हमारे रूम की हालत आप देख सकते हैं, हम कैसा करके छोड़ के गए थे, तो सब कुछ अभी करेंगे, सब तैयारी अभी करेंगे, ये हम आ गए हैं, तो बस अब फटाफट चेंज करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, चाय नाश्ता हम थोड़ा बाहर करके आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ हम रुके हैं, यानी कि गजानन जी आश्रम में, जो भी है भक्त निवास, इसका नाम ये भी है, दो नाम है, पता नहीं क्या नाम है, तो हम जा रहे हैं यहीं, ये देखिए यहीं इसका मंदिर है, तो बहुत शानदार मंदिर बनाया हुआ है ऐसे तो। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि कौन सा मंदिर है, आपको भी दिखाएंगे, मंदिर बहुत खूबसूरत है, ये देखिए बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर जाके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये मंदिर का एंट्रेंस यहाँ से है, इधर से आप देखें, वहाँ जाना है हमको, तो ये इधर से है, और ये सब जगह चप्पल स्टैंड बना रखे हैं, तो चप्पल यहीं खोलनी है, साफ करना पड़ता है।
बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, गजानन जी महाराज के अंदर मंदिर बना रखा है इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अंदर से इन्होंने अलाउ नहीं कर रखा, तो हमने भी नहीं लिया, जहाँ अलाउ नहीं होता मैं भी नहीं करती। तो पूरा का पूरा ये इतना स्टोन से बनाया है, मार्बल का, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। अंदर बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है, ये देखिए।